एक साल तो मेरा शॉल वाला भी मेरे से पूछता था, साहब आजाद हो जाएंगे क्या? मैं कहा तुम तो आजादी हो, और अगर तुम आजादी पाकिस्तान के साथ जाना समझते हो आजादी है, तो चले जाओ परली तरफ, कौन रोक रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को तोड़ के कोई आजादी नहीं मिलेगी। ये दो टूक है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की, कश्मीर को हिंदुस्तान से तोड़कर आजादी का ख्वाब मुमकिन नहीं। लेकिन जब कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ कड़े संदेश दिए जा रहे हैं, तो राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच आर्टिकल 35A के मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बुधवार को एकदम चुनावी दौरे की तर्ज पर दक्षिण कश्मीर के टूर पर निकल गईं और 35A के नाम पर कैसे कश्मीर की राजनीति कर गईं, जरा सुन लीजिए। जो हमारी दूसरी जमातों के कारकुन साहिबान हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो, जी जी जी, और जो बाकी लोग हैं उनको, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बन रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के तशख्स पे एक हमला होने की तैयारी हो रही है, इसके बारे में आपस में मिल बैठ के बात करें। हाल में कश्मीर में सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ाने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले को भी इस अफवाह से जोड़ा गया कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कश्मीर में जो बड़ा हो रहा है वो आर्टिकल 35A को हटाने जैसे कदम नहीं, बल्कि चुनाव को लेकर सरकार और बीजेपी की तैयारियां हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है, जिससे वहां गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का रास्ता साफ होगा। हाल में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को भी 3% आरक्षण का बिल लोकसभा में पास हुआ है। मंगलवार को बीजेपी ने अपनी राज्य इकाई के नेताओं को बुलाकर भी राज्य का चुनावी मूड भांपा है। सुरक्षा एजेंसियों और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज को लेके जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों के साथ असेंबली इलेक्शन नहीं हुए, और अब चूंकि चुनाव आयोग ने भी माना है कि शायद 15 अगस्त के बाद और श्री अमरनाथ जी की यात्रा समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव को लेकर कोई घोषणा कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हम तैयार हैं। बीजेपी कश्मीर में रिकॉर्ड 1 लाख सदस्य भी बना चुकी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला 113 करोड़ रुपए के जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में लगातार घिर रहे हैं। बुधवार को ईडी ने उनसे पूछताछ की है। बीजेपी फारूक पर इन आरोपों का राजनीतिक फायदा उठाने की ताक में है। श्रीनगर से शुजाउल हक और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।